नीनास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लछोड़े के अचार की रेसिपी। लछोड़ा को गूंदी, लीसवा और लभेड़ी भी कहते हैं। इसका अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये है 500 ग्राम लछोड़े। बाजार में अप्रैल से जून जुलाई तक आसानी से मिल जाते हैं। आप इसको ताजे ही खरीदीजिए। देख लीजिए कि इसमें दाग धब्बे ना हो और थोड़ा दबा कर चेक कर लीजिएगा कि ये नरम ना हो। इनको पहले अच्छी तरह से धो ले और सुखा ले, फिर इनके बड़े बड़े डंठल को हटा ले और ध्यान रखें कि इनके ऊपर का कैप को नहीं हटाना है। तो जल्दी जल्दी इनको तोड़ लेते हैं। लछोड़े के अचार को बच्चे बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। इसे साल भर तक आसानी से स्टोर करके खाया जा सकता है। देखिए, मैंने इस तरीके से लछोड़े को डंठल से अलग कर दिया है और कैप भी रिमूव नहीं की। डंठल और धब्बे वाले लछोड़े को हटा देंगे। उबालने के लिए 2.5 कप पानी ले लिया है। पानी इतना डालिए कि लछोड़े सारे अच्छे से डूब जाए। पानी को पहले अच्छे से उबालने देंगे, तो इसके ऊपर मैं ढक्कन प्लेस कर देती हूँ। 5 मिनट बाद देखिए पानी उबल गया है। अब हम सभी लछोड़ों को डालेंगे और 5-6 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ज़्यादा उबालने से लछोड़े फट जाएंगे और अचार ठीक से नहीं बनेगा। देखिए ये उबल गए हैं। लछोड़े को बहुत ज़्यादा उबालना या पकाना नहीं चाहिए। अब एक लछोड़े को चेक कर लेते हैं। लछोड़ा हल्का सा दब रहा है, बस इतना ही उबालना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे और फैन के नीचे 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे। अचार का मसाला बनाने के लिए 1 पैन में 4 टेबल स्पून सौंफ डालकर 1 मिनट तक भून लेंगे। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस नमी दूर होने तक भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है और इससे हल्की हल्की खुशबू आ रही है। सौंफ भूनकर तैयार है। इसे हम साइड एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में 1 टेबल स्पून मेथी के दाने को हल्का सा भून लेंगे, करीबन 1/2 मिनट। अब मेथी के दाने भून चुके हैं, इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। फिर 4 टेबल स्पून सरसों के दाने को भी हल्का सा भून लेंगे 15 सेकंड के लिए और प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब अचार में तेल डालने के लिए कढ़ाई में 1/2 कप सरसों का तेल डालेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसे गर्म होने देंगे धुआं उठने तक। ये गर्म हो चुका है, अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लछोड़े अब अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब एक एक करके लछोड़े के कैप को निकाल देंगे, कुछ इस तरह से। उबालते वक्त हमने लछोड़े के कैप को इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि कैप निकालने पर पानी लछोड़े के अंदर चला जाता और सारा मेहनत बेकार रह जाता। इससे अचार के खराब होने का चांस भी रहता है, इसलिए हम कैप को अभी निकाल रहे हैं ताकि तेल और अचार के सारे मसाले अच्छी तरह से लछोड़े के अंदर जाए। देखिए कितनी इजीली ये कैप हाथों से निकल जा रहे हैं। सारे लछोड़े के कैप निकल गए। अब इसे साइड में रख देते हैं। जो मसाला हमने भून के रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो अब सारे भुने खड़े मसालों को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तेल हल्का सा गर्म है, अब उसमें मसालों को मिलाएंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हींग डालकर मिक्स करेंगे, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून काला नमक और पीसे हुए मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लछोड़े को एक बोल में लेंगे और जो मिक्सर हमने तैयार किया था उसको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। लछोड़ा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लछोड़ा लीवर, हाई बीपी, गले की खराश मिटाने, जोड़ों के दर्द और गठिया में बहुत राहत देता है। ये बालों की सफेदी को भी दूर करता है। फिर 1 टेबल स्पून विनीगर डालकर मिला लेंगे ताकि अचार खराब ना हो। यहाँ हम आम या अमचूर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि काली सरसों डालने से अचार में खटास आ ही जाता है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है अचार का। अचार की सारी सामग्री अच्छी तरह से मिल गई है। अब अचार को हम एक बर्नी में डाल लेते हैं।
अचार रखने के लिए कांच की या फिर चीनी मिट्टी वाले बर्नी ही यूज करें, ताकि अचार खराब ना हो। यहाँ मैंने पहले से बर्नी को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाया था। अचार वाला जार साफ और सूखा होना चाहिए। लंबे समय तक चलने वाले अचार को तेल में पूरी तरह से डुबाकर रखना चाहिए। मुझे यहाँ तेल कम लग रहा था, इसलिए मैंने 1/4 कप तेल और डाला है। और अचार को आप अगर बर्नी से खाने के लिए निकाल रहे हो तो हमेशा सूखे स्पून का ही इस्तेमाल करिए। अचार को बर्नी में भर दिया है। अब हम जार को ऊपर से सूती कपड़ा बांधकर 7-8 दिनों तक इसे धूप दिखाएंगे। लसोड़े के अचार को बनने में बहुत ही कम समय लगता है। सात दिन बाद देखिए, लसोड़े का अचार बनकर तैयार है। चलिए प्लेट में निकालकर चेक कर लेते हैं ये अच्छी तरह से तैयार हुआ या नहीं। देखिए, ये अच्छी तरह से पक चुका है और मसाले भी लसोड़े के अंदर तक गए हैं। तो आप भी बनाइए ये स्वादिष्ट अचार की रेसिपी और साल भर इसका लुफ्त उठाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।